यूपी विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण, 9 जिलों के 55 सीटों पर मतदाताओं ने की वोटिंग। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लिया वोटिंग में हिस्सा। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। पीएम मोदी ने कानपुर देहात में मतदाताओं को किया संबोधित, कहा परिवारवादियों को हरा देगी यूपी की जनता। 10 मार्च को ही उत्तर प्रदेश में मनाई जाएगी होली। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। दस मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झांसी में जनसभा को किया संबोधित, सपा बसपा पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों में काटे गए जवानों के सिर, अब किसी की हिम्मत नहीं। मोदी ने सीमा पार किया हवाई हमला। पाकिस्तान से जब सपा और बसपा के समर्थन से सरकार चलती थी, कांग्रेस की 10 साल चली, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे हमारे जवानों के सर काट कर। माताओं बहनों भाइयों, इसके खिलाफ दिल्ली सरकार में उठ करने की हिम्मत नहीं थी। उरी और पुलवामा में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर देहात में जनसभा को किया संबोधित, समाजवादी पार्टी को बताया तमंचावादी परिवारवादी, कहा हम बना रहे हर जिले में मेडिकल कॉलेज। तो उत्तर प्रदेश हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर है, कानपुर देहात में भी एक मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर देहात में भी स्वास्थ्य के उच्च संस्थान के रूप में मेडिकल कॉलेज दे दिया है। आपके कानपुर में भी भव्य मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे ही हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। पिछली सरकार राज नहीं करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवैध फैक्ट्री लगवाती थी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर देहात में जनसभा को किया संबोधित, कहा 2017 के बाद यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, किसी में हिम्मत नहीं कि कांवड़ यात्रा को रोक दे। जिस प्रदेश में 2017 के पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले लगातार अव्यवस्था का माहौल होता था, आज भाइयों बहनों 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में अब कानपुर में दंगे नहीं होते, बल्कि उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्रा निकलती है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले व्यापारी असुरक्षित था, बेटियां सुरक्षित थी और बमबाजी बाजारों में होती थी, किसानों पर होती थी, हर राह चलते हुए राहगीरों पर होती थी, 2017 के बाद आपने देखा होगा अब बमबाजी नहीं होती है। अब कांवड़ यात्री जब कांवड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है, कोई उनकी यात्रा को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमीरपुर में किया मेगा रोड शो, जनता से कांग्रेस के पक्ष में की मतदान की अपील, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। सपा नेता इमरान मसूद ने सहारनपुर में सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा 80% लोग समाजवादी पार्टी के साथ, सीएम योगी से की आजम खां को जेल से बाहर निकालने की अपील। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और
आप देखिए लोगों में उत्साह है, अभी यहाँ लगभग 20% पोलिंग हो चुका है इस बूथ पर भी। उन्होंने 80 और 20 का भी एग्जांपल दिया कि ये किसी जाति, सही तो कहा है उन्होंने, सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है मुख्यमंत्री जी ने, बस उसमें थोड़ा सा आंकड़ों में फूल गए वो। 80 हमारे साथ है, 20 उनके साथ है, प्रदेश की जनता त्रस्त है और एक तरफा बदलाव कर रही है। एक आखिरी सवाल, उन्होंने अखिलेश के बारे में कहा कि अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर आए क्योंकि उनके अध्यक्ष पर खतरा हो जाएगा। तो ये एक मेहरबानी माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि ये मेहरबानी आप ही कर दें, आप ही आजम साहब को बाहर कर दें, हम आपके कृतज्ञ होंगे, हम आपके एहसानमंद होंगे, आप आजम साहब को बाहर कर दें। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, आजम साहब के ऊपर मुर्गी चोरी के मुकदमे लगाओगे, भैंस चोरी के मुकदमे लगाओगे, शर्म नहीं आती? राजनीति को क्या बना के रख दिया आप, नेताओं को अपराधी बनाने के ऊपर तुले हुए हो। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में 10वीं तक खुले स्कूल, स्कूल के बाहर हिजाब हटाने को लेकर माता पिता और शिक्षकों में हुई कहासुनी, हिजाब पहने छात्राओं को कैंपस में किया गया प्रतिबंधित। जम्मू कश्मीर में हुए 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की तीसरी बरसी, हमले में शहीद जवानों को सीआरपीएफ के जवानों ने दी श्रद्धांजलि, एडीजी दलजीत चौधरी ने कहा शांति और सद्भाव बनाए रखना ही हमारा उद्देश्य। हर वर्ष हम 14 फरवरी का दिन यहाँ पर सब एकत्रित होकर मनाते हैं, उनकी याद में, उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गवाई थी पुलवामा में, उन वीर जवानों के याद में, उनके सेक्रीफाइस जो उनका त्याग था उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनकी उनको अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में अमन चैन हो और हमारा जो सेक्रीफाइस है वो सफल हो। धन्यवाद। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर झांसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 258 लोग किए गए गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपियों में वांछित जिला बदर भी शामिल, आरोपियों के पास से तमंचा कारतूस बरामद। पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा 48 घंटे का अभियान चला करके आदर्श आचार संहिता के एनफोर्समेंट की कार्रवाई कराई गई थानों से, इस क्रम में 48 घंटे में 258 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, इसमें से 105 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके चालान की कार्रवाई उपस्थित है। इस क्रम में दो अभियोग आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किए गए, जुए के अपराधी पकड़े गए जिनसे 15,400 रुपये पर्चे बरामद हुए, 158,000 रुपये कटेरा में पकड़े गए आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में और 87,500 रुपये कबीना में पकड़े गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चला जा अभियान आगे भी जारी रहेगा और चुनाव सफल संपन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण की। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।